नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर चिराग भंडारी और मैं एक एंड्रोलॉजिस्ट हूं इंस्टीट्यूट ऑफ एंड्रोलॉजी एंड सेक्सुअल हेल्थ जयपुर में। आज मैं आपको बताऊंगा सीमन लीकेज और नाइटफॉल के बारे में। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है नाइटफॉल, प्रॉब्लम लगती है लोगों को, पर जो मेरे पास में पेशेंट्स आते हैं बोलते हैं कि मेरे को नाइट फॉल्स हो रहे हैं, मेरे को सीमन लीक हो रहा है यूरिन के अंदर, या जब मैं स्टूल्स पास करता हूँ। तो आज मैं उसके बारे में कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा। पहली बात तो जाने अपन कि सीमन होता क्या है। सीमन एक वाइट कलर का लिक्विड होता है जो कि जब आप इजैकुलेशन करते हो मैस्टरबेशन से या सेक्स के टाइम पे, तो वो सिक्रीट होता है, रिलीज होता है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सिक्रीशंस फ्रॉम सेमेनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड एंड स्पर्म्स। तो ये एक वाइट कलर का फ्लूइड है जो कि इजैकुलेशन के टाइम पे डिस्चार्ज होता है। अब ये कैसे प्री कम से डिफरेंट है? प्री कम होता है जो एक वाइट ट्रांसपेरेंट क्लियर स्टिकी फ्लूइड जो निकलता है जब आप सेक्सुअली अराउज्ड होते हो, या आप जब सेक्सुअल बातें कर रहे हो किसी से, या फोर प्ले कर रहे हो, या मैस्टरबेशन में आपने जस्ट चालू किया है मैस्टरबेशन, तो एक स्टिकी फ्लूइड ट्रांसपेरेंट सा निकलता है, उसको बोलते हैं प्रीकम। तो प्रीकम अलग होता है और सीमन अलग होता है। प्रीकम ट्रांसपेरेंट होता है, सीमन वाइट होता है, पर प्रीकम के अंदर भी स्पर्म्स होते हैं। तो अगर कोई फैमिली प्लानिंग करना चाह रहा है और वो अगर वो कॉन्डम नहीं यूज़ कर रहा है, तो प्रीकम से भी प्रेगनेंसी हो सकती है कभी कभी। प्रीकम होना बहुत नॉर्मल है। जब आप सेक्सुअली अराउज होते हो वो प्रीकम निकलता है, तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। बहुत पेशेंट्स हैं जो ऐसे बोलते हैं कि वो एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है जब वो मैस्टरबेशन करते हैं, या सेक्सुअल बातें करते हैं, या कुछ पढ़ते हैं, या जब भी अराउज होते हैं, तो वो नॉर्मल है, उसका कुछ भी नहीं करना है, वो एक नॉर्मल फिनोमिना है। कई लोगों में थोड़ा ज़्यादा सिक्रीट होता है, कई लोगों में कम सिक्रीट होता है, पर वो नॉर्मल है। दूसरी चीज़ है कि सीमन लीकेज कब कब हो सकता है। कई बार सीमन लीकेज बोलते हैं यूरिन में होता है, कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं यूरिन में सीमन लीकेज हो रहा है या चिपचिपा पदार्थ आ रहा है, तो वो कब कब हो सकता है? जैसा कि मैंने बताया, जब सेक्सुअली अराउज्ड हो उस टाइम पे हो सकता है। दूसरा, नाइटफॉल के टाइम पे, जब आप नींद में हो, स्पेशली जो REM फेज होता है नींद का, उसके अंदर नाइटफॉल हो सकता है, नॉक्टर्नल एमिशंस हो सकते हैं, मतलब कि सीमन आपका निकल सकता है बाहर, तो वो भी एक नॉर्मल फिनोमेना है। नाइटफॉल होना भी नॉर्मल फिनोमेना है। ज़्यादातर नाइटफॉल जो टीनेजर्स होते हैं या यंग एडोलेसेंट्स होते हैं, उनके अंदर ये पाया जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, वैसे वैसे नाइटफॉल्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है। कई बार अडल्टहुड में भी नाइटफॉल्स होते हैं, अगर आपने बहुत लंबे टाइम तक सेक्स नहीं किया है या मैस्टरबेशन नहीं किया है, तो ये हो सकता है, तो वो नॉर्मल फिनोमेना है। तीसरी चीज़ है, कभी कभी यूरिन में निकलता है, तो वो कैसे हो सकता है? अगर आपने थोड़ी देर पहले मैस्टरबेशन या सेक्स किया है, तो थोड़ा सीमन यूरिथ्रा के अंदर रह जाता है। यूरिथ्रा क्या होता है? जो यूरिन को कैरी करने वाला पाइप होता है वो यूरिथ्रा होता है। तो जब आप यूरिन करोगे, तो जो थोड़ा सीमन रहा हुआ है उसके अंदर, वो आपके यूरिन में आता है, तो उससे आपको लगता है कि सीमन बाहर निकल रहा है यूरिन के साथ में, बल्कि वो नॉर्मल है। कई बार अगर आपने मैस्टरबेशन या इजैकुलेशन नहीं भी किया होता है, तो भी थोड़ा बहुत सीमन आपके यूरिथ्रा में रहता है, स्पेशली यंग एज के अंदर, और जब आप यूरिन करते हो तो वो साथ में निकलता है, तो वो भी एक नॉर्मल फिनोमेना है। तो उससे आपको घबराना नहीं है, ये एक नॉर्मल फिनोमेना है और ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। दूसरी बात, इसके अंदर जब यूरिन में निकलता है, तो कई बार किसी प्रॉब्लम की वजह से भी निकल सकता है, जैसे कि डायबिटीज़ के अंदर, या जिनका पहले कोई प्रोस्टेट का ऑपरेशन या ब्लैडर का ऑपरेशन, यूरिनरी ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ हो, तो उसको बोलते हैं रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन। नॉर्मली इजैकुलेशन बाहर की तरफ होना चाहिए, मतलब आपके यूरिथ्रा से बाहर निकलना चाहिए सीमन, पर कई केसेस के अंदर, जैसे कि मैंने बताया डायबिटीज़ के अंदर, ये बाहर निकलने की जगह पीछे चले जाता है ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। तो जब पेशेंट यूरिन करता है, तो वो साथ में उसको सीमन दिख सकता है यूरिन के। तो ये एक मेडिकल कंडीशन है और इसके लिए आपको डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी। चौथा पॉइंट है, कब निकल सकता है? कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं मेडिसिन के,
जैसे कि जो एंटी डिप्रेशन मेडिसिन होती है उनके साइड इफ़ेक्ट्स में कभी कभी ये चीज़ हो सकती है। पांचवा पॉइंट है प्रोस्टेटाइटिस। जब प्रोस्टेट के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, प्रोस्टेट जो है ये पर्टिकुलर ग्लैंड है प्रोस्टेट, अगर आपको दिख रहा हो ये पर्टिकुलर ग्लैंड जो है इसको प्रोस्टेट बोलते हैं, जो कि ब्लैडर के नीचे होती है और यूरिथ्रा इसके अंदर होता है। यूरिथ्रा मतलब जो यूरिन का पाइप होता है जिससे यूरिन बाहर निकलता है वो इसके बीच में से निकलता है। तो इसको इस पर्टिकुलर ग्लैंड के अंदर जब इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाता है तब उसको बोलते हैं प्रोस्टेटाइटिस, और उस केस में थोड़ा बहुत सिक्रीशंस आपके यूरिन में निकल सकते हैं। प्रोस्टेटाइटिस को ट्रीट करने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और उसकी जो जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो अब हम बात करेंगे नाइट फॉल्स के बारे में। नाइट फॉल्स बहुत कॉमन फिनोमेना है और इसको नॉक्टर्नल एमिशंस भी बोलते हैं, और ये बहुत लोगों में पाया जाता है, स्पेशली यंग मेन में, जिनको जो कि टीनेज में है या फिर जो यंग अडोलेसेंस मतलब जो 20-22 साल के लड़के हैं उनके अंदर ये बहुत कॉमन होता है। कई लोगों में ज़्यादा होता है, कई लोगों में कम होता है। इससे कई बार कई पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि नाइटफॉल होने के बाद में उनको थकान हुई या वीकनेस हुई। तो इस पर्टिकुलर सिंड्रोम को हम बोलते हैं धात सिंड्रोम, कि सीमन के निकलने से उनको कुछ वीकनेस होना। इसका पर्टिकुलर ट्रीटमेंट होता है, इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज होती है जैसे कि पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज, उनसे जो वहाँ की मसल्स होती है वो थोड़ी सी स्ट्रेंथनिंग हो जाती है उनकी, वो थोड़ी मजबूत हो जाती है, तो वो उस पर्टिकुलर सीमन को होल्ड कर पाती है। तो उसके लिए आपको एक पेल्विक फ्लोर स्पेशलिस्ट से मिलना पड़ेगा जो कि आपको वो सारी एक्सरसाइज समझा सके, ना कि आप यूट्यूब पे जाए और फिर करें। कई बार होता है कि आप गलत एक्सरसाइजेस कर रहे हो तो हो सकता है कि कुछ गलत भी आपको हो सके, तो इसलिए पेल्विक फ्लोर एक्सपर्ट से ही आप इन एक्सरसाइजेस के बारे में जानिए। ये एक्सरसाइजेस आपको नॉक्टर्नल एमिशंस को या नाइट फॉल्स को कम करने में मदद कर सकती है। साथ में कुछ दवाइयाँ भी होती है जो कि आपको एक एंड्रोलॉजिस्ट या सेक्सुअल मेडिसिन डॉक्टर आपको बता सकता है। पर अगर आपको नाइट फॉल्स कभी कभी हो रहे हैं और इससे आपको ऐसी वीकनेस या इस तरह का कुछ सिम्टम नहीं हो रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये एक नॉर्मल फिनोमिना है। जैसे एज बढ़ेगी आपकी वैसे ये कम हो जाएगा। तो नाइट फॉल से डरिए नहीं। अगर इससे आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है जैसे कि वीकनेस, घबराहट, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तो उसके लिए आप ट्रीटमेंट लीजिए। थैंक यू।